नमस्कार, आप सभी को न्यू ईयर और क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ। न्यू ईयर तो जस्ट आने वाला है, तो क्यों ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया जाए। तो आज हम हेल्दी और फेमस रशियन सैलेड बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और इसमें एक ख़ास बात है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों पड़ते हैं, जिससे ये सैलेड बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन जाता है और बनाना बहुत ही आसान है, चुटकियों में बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 गाजर लिया है, 1 आलू लिया है यहाँ पर मीडियम साइज़ का, और 1 सेब लिया है और अनार, और यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून हरा मटर लिया है। सभी सब्जियों और फल को मैंने इस तरीके से काट लिया है। इस सैलेड को बनाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, सभी सब्जियों को आप एक ही साइज़ में काटें। देखिए, मैंने इस तरीके से आलू गाजर को काट लिया है और सेब को भी मैंने इसी तरीके से क्यूब क्यूब काटा है। तो इसी तरीके से आपको इस काट के तैयार कर लेना है। और नेक्स्ट, हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो कच्चे हैं, तो उन्हें हमें पकाना है। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 2 कप पानी ले लिया है और इसमें मैं 1 उबाल आने तक वेट करूँगी। ये सैलेड बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए, तो ज़रूर इसे ट्राई करें। देखिए, हमारे पानी में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें आलू और गाजर और जो हमारा मटर है वो इसमें मैं मिला लूँगी। हमें इन्हें जस्ट ब्लांच करना है 5 मिनट तक, और ज़्यादा गला नहीं देना है सब्जियों को। इतना आपको पकाना है कि वो अच्छे से पक जाए और गले भी ना। तो इसे हमें ध्यानपूर्वक बॉईल करना है, और मैं मीडियम आंच में ही इसे पका रही हूँ। ढक के इसे पकाना है और 2 से 3 मिनट तक आप एक बार ज़रूर चेक करें कि सब्ज़ी आपकी पक गई है कि नहीं। देखिए, हमारे सब्ज़ी में अब उबाल आ गया है, तो मैं एक बार चेक करके देख लूँगी कि हमारी जो सब्ज़ी है वो पकी है कि नहीं। 2 से 3 मिनट हो गए, मैं चेक कर रही हूँ एक बार कि हमारा जो सब्ज़ी है वो पका है कि नहीं। देखिए, आलू को चेक कर रही हूँ, अभी तक अच्छे से पका नहीं है। तो इसे मैं 2 से 3 मिनट तक और पकाऊँगी। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, देखिए मैं देख रही हूँ फिर से कि हमारे आलू अच्छे से पके हैं कि नहीं। देखिए, आपको दिखा रही हूँ मैं। देखिए, हमारा जो आलू है अब अच्छी तरीके से पक गया है। इसी तरीके का हमको बॉईल चाहिए, तो अब मैं पूरी सब्जियों को निकाल लूँगी। जो सब्ज़ी मैंने बॉईल किया था उसको मैंने निकाल लिया है। ये अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो इसे ठंडा होने के लिए साइड में हम 5 से 10 मिनट रख लेंगे। देखिए, ये ठंडा हो गया बिल्कुल ही। अब मैं एक बाउल लूँगी और इसमें ये जो सब्ज़ी मैंने बॉईल किया था ये मैं मिला लूँगी। कितना अच्छा दिख रहा है देखने में, गाजर आलू और मटर, कलरफुल सैलेड बनेगा ये। और इसके बाद मैं इसमें जो मैंने फ्रूट्स काट के रखे थे वो मैं मिला लूँगी इसमें। मैंने यहाँ पे अनार और सेब लिया है, कोई भी सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनको मिला लिया है, और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, अ पिंच। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालें इसमें। इसके बाद मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर मिलाऊंगी, इसे भी मैंने घर पे फ्रेशली अभी क्रश किया है, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। ये ज़रूर डालें, इसे बिल्कुल स्किप ना करें, इससे आपके सैलेड में बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आएगा। इसके बाद हमारे सैलेड का मेन ड्रेसिंग यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ये वेज मेयोनीज़ है। इसे मैंने घर पर ही बनाया है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और रिच लुक आया है इसका। इसकी रेसिपी में मैंने अपलोड की है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो इसे आप ज़रूर डालें। पूरा 1 कप मैंने यहाँ पे मिलाया है इसको। इसके बाद मैं अच्छे से टॉस कर लूँगी सैलेड को, पूरे मेयोनीज़ और जो मैंने ब्लैक पेपर, सॉल्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं, पूरा अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। और हमारा सैलेड बनके बिल्कुल ही तैयार हो गया है, रिच और क्रीमी बना है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आप हेल्दी ऑप्शन सर्च कर रहे हैं और चाहते कुछ अलग खाएं, कुछ नया खाने को मिले, तो इस सैलेड को ज़रूर आप बनाएं घर पे। इसे आप अपने बच्चों को ज़रूर दें, क्योंकि इस रेसिपी में वेजिटेबल्स तो है ही और साथ ही साथ फ्रूट्स भी है, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, तो बच्चे इसे खाना बहुत ही पसंद करेंगे। इसे आप वीक्स में 1 या 2 बार अपने बच्चों को ज़रूर दे सकते हैं।
तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही नया, यमी और टेस्टी डिलीशियस सैलेड है और बहुत ही पॉपुलर फेमस सैलेड है, तो इसे घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये सैलेड कैसा लगा और न्यू ईयर रेजोल्यूशन में आपने इस सैलेड को अपनाया कि नहीं।